अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका फिर से मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कुवैत खबर YouTube चैनल पे। तो साथियों, आज के वीडियो में कुवैत से सबसे पहली जो खबर दोस्तों आ रही है, खबर साथियों आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के तरफ से बताया गया है कि ऑफिशियल क्लोज शॉप फॉर सेलिंग यूज टायर। साथियों, कुवैत में होता क्या है कि धोखाधड़ी काफ़ी ज़्यादा अब लोग करने लगे हैं, चाहे वो कुवैती नागरिक हो या जो भी हो। तो कुवैत में साथियों कल के दिन एक अभियान चलाया गया था, उस अभियान के दौरान कुवैत में लगभग 3 दुकानों को बंद किया गया, जिसमें दुकान वाले जो हैं वो इस्तेमाल किए हुए टायर को, बैग को और जूते को वो लोग बेच रहे थे। जैसा कि दोस्तों खबरों में पूरा पढ़ सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ऑफिशियल क्लोज 3 शॉप फॉर वायलेटिंग द लॉ टू सेलिंग काउंटरफिट बैग शॉप एंड वर्क सेलिंग फॉर यूज टायर। यानी इस्तेमाल किया हुआ बैग, इस्तेमाल किया हुआ टायर और इस्तेमाल किया हुआ दोस्तों जूते को वो लोग बेच रहे थे, जो कि कुवैत में ये धोखा करके बेचना इलीगल माना जाता है। साथियों, वो इस्तेमाल किया हुआ सामान था, उसके बावजूद भी वो नया दाम पूरा ले रहा था, जिसके वजह से किसी के द्वारा कंप्लेन किया होगा या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को किसी तरह जो जानकारी मिली होगी, जिसके बाद छापेमारी की गई और उसे फिर गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई जो है वो की जा रही है। अगली खबर दोस्तों आ रही कुवैत में, बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो भाई लोग कुवैत में ड्राइविंग लाइसेंस को लेते हैं या ड्राइविंग का काम करते हैं। भाइयों, बता दूं आपको, कुवैत की हुकूमत के तरफ से ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया गया है, कुवैत में सून रिस्टार्ट इशूइंग प्रिंटेड ड्राइविंग लाइसेंस। साथियों, कुवैत में जो है बहुत ही जल्दी आप लोगों को प्रिंटेड ड्राइविंग लाइसेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि आप निकाल पाओगे। उसके लिए आपको फ़ी देना पड़ेगा और जो एक्स्ट्रा फी लगते थे, जैसे कि साथियों इसे बता दूं आपको, पर्पस फी फॉर फिजिकल आईडी लाइसेंस प्रिंट कवर कॉस्ट वगैरह जो भी चीज़ें होती थी, जो एक्स्ट्रा पैसे आपको देने पड़ते थे, वो आपको अब नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आपको प्रिंटेड अब ड्राइविंग लाइसेंस इस्तेमाल कर पाओगे और प्रिंटेड ड्राइविंग लाइसेंस को आप निकाल पाओगे। तो ये सिस्टम को बहुत ही जल्दी कुवैत के मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से लॉन्च करने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है। जैसे दोस्तों इसकी लॉन्चिंग होती, मैं आप तक शेयर जरूर कर दूंगा ये खबर को, और कैसे निकालोगे वो भी पूरी डिटेल में आपको बता दूंगा। अगली जो अपडेट दोस्तों आ रही साथी वो आ रही कुवैत में, कल के दिन एक कैबिनेट मीटिंग हुई मिनिस्टरों के बीच में। जैसा कि दोस्तों खबरों को आप पढ़ सकते हो और खबर को देख भी सकते हो, ओनली कुवैत फ्लैग एंथम इन स्टेट फंक्शन। साथियों, कुवैत में स्टेट फंक्शन होने वाला है, एक प्रोग्राम होने वाला है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे नेशनल एंथम करके। तो मिनिस्ट्री की तरफ से खास हिदायत दी गई है कि कुवैत में हर जगह पे कुवैत का ही झंडा होना चाहिए, कुवैत के अलावा और किसी मुल्क का झंडा वहां पे नहीं लगेगा। ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया गया है कुवैत के कैबिनेट में। तो साथियों, ऐसा क्यों किया जा रहा है मैं नहीं जानता, पहले क्या होता था दूसरे कंट्री का भी मुल्क का झंडा होता था, पर आज इस बार से कुवैत का ही झंडा इस बार साथियों होगा। अगली जो खबर दोस्तों आ रही, इंडिया लीडिंग लगेज ब्रांड सफारी नाउ एंड अवैया कॉम प्लेटफॉर्म। साथियों, बता दूं आपको, यदि आप कुवैत में मौजूद हो तो इंडिया के तरफ से एक वेबसाइट जारी किया गया है, www.ayywaa.com। इसमें सफारी लगेज आपको यदि लेना है, सफारी कंपनी का लगेज, तो इसमें 60% डिस्काउंट के साथ इस लगेज को आप खरीद सकते हो। जैसा कि दोस्तों वीडियो को सुन पे आप देख सकते हो, 60% की डिस्काउंट होगी। यानी मान के चलिए कि आपको इसका दाम है, मैं एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूँ, 100 कतरे रियाल दाम है तो आपको 40 कतरे रियाल इसका पेमेंट करना पड़ेगा, सॉरी कुवैती दिनार आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो दोस्तों कुछ खबरें थी, अपडेट्स थी जो कि कुवैत से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।